बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमीर हमजा, योर फिजिक्स टीचर। होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आवर फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड लेक्चर, we will discuss now about the direction of magnetic field. As I have mentioned and as I have spoken with you in the last lecture, that if you passes the current through a wire, through a copper wire, some magnetic field induces across the wire due to the flow of current, and it is observed by ampere, the scientist. तो students, आज का हमारा जो topic है वो है direction of magnetic field. वो कहता है direction of magnetic field is governed by the direction of the current flowing through the conductor. वो कहता है magnetic field की जो direction है वो कैसे पता चलेगी आपको, जब current को आप conductor में से flow करवाएंगे. A simple method of finding the direction of magnetic field around the conductor is right hand grip rule. आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर को अपने हैंड में ऐसे ग्रिप ग्रैब करना है कि आपका जो थंब है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो कंडक्टर को आपने पकड़ना है उसे, और जो आपका थंब है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन उसकी होगी. जो फिंगर्स हैं वो आपकी फील्ड लाइंस को शो करेगा कि इसके अक्रॉस आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में है, और जो थंब है वो आपका शो करेगा कि इस वजह से, इस करंट फ्लो से, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी. वो थंब आपको बताएगा कि ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ, अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे इस डायग्राम में शो किया जा रहा है. आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ग्रैस्प अ वायर विद योर हैंड, विद योर राइट हैंड, सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो कहता है जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा. राइट आगे वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलनॉइड. एक सोलनॉइड है, एक आपके पास कॉइल है जैसे स्प्रिंग होता है, उसके अंदर से अगर करंट को गुजारा जाए तो क्या होता है. अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड अ सोलनॉइड. एक कॉइल ले लो, उसके ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स चढ़ा दो, लूप चढ़ा दो, तो उसको आप सोलनॉइड कहते हैं. द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन द सोलनॉइड एड्स टू द फील्ड ऑफ अदर लूप एंड क्रिएट्स ग्रेटर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ. इट्स ऑब्वियस जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उस सोलनॉइड के ऊपर उतनी फील्ड ज़्यादा पास करेगी, उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, उसकी वजह से फील्ड भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसके अक्रॉस. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलनॉइड ऑफ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट बार मैग्नेट. वो कहता है इलेक्ट्रिक करंट जो है सोलनॉइड में वो प्रोड्यूस होगा, वो जब फ्लो करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि सिमिलर होगी, बिल्कुल सेम होगी जब मैग्नेटिक फील्ड हम परमानेंट बार मैग्नेट से पास करवा के प्रोड्यूस करवा. वो कहता है एक बार मैग्नेट होता है आपके पास, एक बार मैग्नेट स्टूडेंट उसको कहते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स हों, उसमें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, उसमें आपको किसी करंट को फ्लो करवाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मटेरियल जो है वो ऑलरेडी मैग्नेटिक होता है. जैसे आपने नॉर्मली मैग्नेट्स होते हैं आप जिसे बच्चों के मिलते हैं मैग्नेट्स, उसमें फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होती हैं. ठीक है. इसी तरह जो कॉइल है, कॉइल के अंदर जब करंट पास करवाएंगे तो उसमें भी फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी करंट फ्लो करने की वजह से, जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी, सेम एज ऑफ बार मैग्नेट. वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि आगे कि दस द करंट कैरिंग सोलनॉइड हैज़ अ नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा.
अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलनॉइड, वो कहता है बेटा कि द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा मैग्नेट की ऐसी टाइप, टेम्परेरी मैग्नेट की ऐसी टाइप जो कि, अब वो कह रहा है कि विच इज़ क्रिएटेड, जो कि बनाई जाती है व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ कॉइल, जो जब करंट कॉइल में से गुजरता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, यानी कि वो बेसिकली मैग्नेट नहीं होता, उसको हम टेम्परेरीली तौर पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको मैग्नेट बनाते हैं। कैसे? उसमें से करंट को फ्लो करवा के, जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, फील्ड लाइंस आती हैं, और उसकी हम स्ट्रेंथ को, उसकी हम एप्लीकेशंस को, उसकी हम सिग्निफिकेंस को स्टडी कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल ड्यू टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। वो कहते हैं डायरेक्शन जो है फील्ड की, अब आप डिटर्मन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि आप उसको, कॉइल को अपने राइट हैंड में ग्रैब करें, उससे आपको फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता चलेंगी। हम डिस्कस करते हैं कैसे। इफ़ वी ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब इसके अंदर जो फिंगर्स हैं वो आपकी करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से करंट इस तरह फ्लो करेगा जैसे आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी, और जो आपका थंब होगा वो आपका थंब वो आपको शो करेगा कि यहाँ पे आपका जो नॉर्थ पावर, जो आपकी फील्ड लाइंस हैं उसको शो करेगा कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ वी ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट आवर थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। आपको पता है स्टूडेंट्स की पोल की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, फील्ड लाइंस की चलती रहती है। तो यहाँ पे फिंगर्स आपकी जो हैं जब कर्ल करोगे वो फील्ड ऑफ, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेंगी, और जो आपका थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको ये ईजिली समझ आ गया होगा। सो अब आपने इस लेक्चर को बेटा पढ़ना है, याद करना है, अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन करना है। इट्स वेरी इजी, आपको जो है वो ज़्यादा बर्डन भी नहीं डाला जा रहा, ठीक है, और आपके लिए एक बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन मोड चूज़ किया गया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप इजीली इसे लर्न कर सकें। सो बी वेरी फोकस, आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और इसको पढ़ें, और जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है इंशाल्लाह जब हमारी कोई मीटिंग होगी तब आप मुझसे डिस्कस कर सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, और इस पेंडेमिक सिचुएशन से बच के रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।